हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस चिकन को कुकर में बनाया है एंड 5 मिनट में ही इतना टेस्टी चिकन बन के तैयार हो जाता है, तो आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा रेसिपीज़ अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं चिकन करी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, चिकन करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है 3 बड़ा चम्मच, और हम इसमें चिकन को डाल देंगे और चिकन को हमें फ्राई करना है अच्छे से। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन लिया है। और चिकन को फ्राई करते टाइम हम इसमें 2 छोटी चम्मच नमक और 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब करी बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें हम 4 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिए हैं। सबसे पहले ऑयल गर्म होते हैं हम इसमें देंगे 2 छोटी लौंग, 1 इलायची, दालचीनी और 1 तेज़पत्ता। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 5 मीडियम साइज अनियन, मैंने यहाँ पर पहले से इसे काट के रखा हुआ था। अब हम ऑयल में इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। देखिए, अनियन हमारा फ्राई हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 3 बड़ा चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अदरक लहसुन हल्का सा 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम सारे ड्राई पाउडर्स को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाले में हमने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले हम डाल देंगे यहाँ पर 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। नमक हम यहाँ पर 1 चम्मच ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करने टाइम भी नमक ऐड किया था, तो नमक हम बाद में स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे कम या ज़्यादा हो तो। और धनिया पाउडर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 1/2 चम्मच से 1.5 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 1.5 चम्मच। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं लाल मिर्च पाउडर। और जीरा पाउडर भी हम 1/2 चम्मच से ले रहे हैं 1.5 चम्मच। काले मिर्च पाउडर भी हम यहाँ पर 1.5 चम्मच ही लेंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। तो फ्रेंड्स, सारे मसालों को मिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड किया है, ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इससे टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अच्छे कलर के लिए हमने यहाँ पर ऐड किया है। ये देखिए, हमारा मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस वक्त हम
हमारा फ्राई किया हुआ चिकन को डाल देते हैं और मसाले के साथ अच्छे से चिकन को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर चिकन को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को भी अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेते हैं एंड मसाले में हम चिकन को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन जो है मसाले के साथ अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के कप से 3 कप पानी ऐड किया है। आपको जितना ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से पानी को ऐड करिए एंड 2 सीटी आने तक हम चिकन को पका लेंगे कुकर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन जो है अच्छे से पक चुका है। इस वक्त हम नमक को भी टेस्ट कर लेंगे। तो इस हिसाब से आप नमक ज़्यादा या कम इस वक्त मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा चिकन करी जो है कितना जल्दी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब चिकन करी को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन करी जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है एंड हमने इसे सर्व भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से 5 मिनट में घर में चिकन करी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा रेसिपीज़ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मैं फिर आप लोगों से ऐसे ही सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी के साथ मिलूंगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।